वेलकम टू मनीष क्रू। आज है 4 जून, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल किसने किसकी 4 दिवसीय यादगारी यात्रा पर, तो एयर चीफ मार्शल जो है बीएस धनोआ जो है ये स्वीडन की 4 दिवसीय यादगारी यात्रा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 फ्लोर एलिवेटर्स के साइकेडेलिक रॉकर जिसका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये निधन हुआ है रॉकी एरिक्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के जंगलों में किल कोटागिरी के किसमें मौजूद शैल चित्रों को ट्रेकर्स पर्यटकों और बैंडल द्वारा नष्ट कर दिया गया है, तो ये नष्ट कर दिया गया है करिक्यूर में मौजूद यानी कि शैल चित्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मुद्रा स्फीति के स्थिर होने और आर्थिक विकास दर 5 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर आने के कारण प्रमुख नीतिगत दर में कितने आधार अंकों की कटौती करेगी, तो ये कटौती करेगी 25 आधार अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 21वीं यूनियन स्पोर्टशिप इंटरनेशनल डेस कैमिनोट्स विश्व रेलवे टेनिस चैंपियनशिप जीती है, तो ये चैंपियनशिप जो है इनमें से किसी ने नहीं जीती, ये जीती है भारत ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुकाटी के राइडर डैनिलो पेत्रुकी ने मार्केज को हरा कर कौन सी रिक्स जीती है, तो ये जीती है इतालवी ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएसओ के आंकड़ों से पता चला कि भारत में प्रति 10,000 लोगों पर कितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, तो ये कर्मचारी हैं 20 स्वास्थ्य कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने सऊदी अरब की किस्में को जम्मू कश्मीर के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है यूसेफ एल्डोवे को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान द्वारा आयोजित शिक्षाविदों की गुणवत्ता में सुधार है, तो उद्योग अकादमी सहभागिता पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन किया है एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है, तो तेलंगाना गठन दिवस जो है ये 2 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फिर से बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष चुना गया, तो बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष जो ये चुना गया एंटोन आदित्य सुबोगो को, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है, तो ये बनी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित से किस उच्च न्यायालय ने अपने राज्य के सभी जानवरों को विधिक व्यक्ति घोषित किया है, तो ये घोषित किया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल किसकी जगह मैक म्यूजिक टीवी और पॉडकास्ट के लिए नए ऐप की तिकड़ी शुरू कर रहा है, तो ये तिकड़ी शुरू कर रहा है iTunes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकारों से अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना को लागू करने का आह्वान किया है, तो ये आह्वान किया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मिशन आधारित तैनाती MBD का विस्तार करती हुई नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी गश्ती के लिए ओमान में सलालाह से लेकर अदन की खाड़ी तक अपनी कौन कितनी दूरी के समुद्री निगरानी विमान तैनात किए हैं, तो ये तैनात किए हैं P8IL लंबी दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्य पर्यटन मंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र के राज्य पर्यटन मंत्री हैं JK रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अल सलवाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो अल सलवाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है नायब बुकले ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और पहुंच में सुधार है सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है, तो ये यात्रा की घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ दिलाएगी, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई है फोक सुम खिमुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर सुलह के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि कौन है, तो विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि जालमे खलील जाद, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट।